साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लगता है बॉलीवुड को किसी की नजर लग चुकी है। पहले गोविंदा का नाम स्कैम में आया, फिर दुबई की शादी में जाकर टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी और नुसरत भरूसा जैसे 17 बड़े सितारे फंस गए। तो अब बॉलीवुड के फेमस राइटर और निर्देशक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। निर्देशक सलमान खान के बेहद करीबी हैं। सलमान खान के लिए राइटर ने रेडी जैसी शानदार मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी थी, मगर अब निर्देशक अकरम अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अकरम अख्तर का कहना है कि मैंने सलमान के लिए रेडी मूवी की कहानी लिखकर उन्हें बुरे वक्त से उबारा था, मगर सलमान ने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद नहीं की। तो क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों हुई अकरम अख्तर की गिरफ्तारी, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो रेडी प्यार तो होना ही था, बागी और छोटा चेतन जैसी शानदार फिल्मों की कहानी लिखने वाले फिल्म डायरेक्टर इकराम अख्तर को जेल भेज दिया गया है। इकराम अख्तर को फिलहाल 22 सितंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे का फैसला, आगे की कार्रवाई होगी। मुरादाबाद पुलिस ने 2 दिन पहले इकराम अख्तर को मुंबई से अरेस्ट कर लिया था और अब मुरादाबाद पुलिस इकराम अख्तर को मुंबई से मुरादाबाद की जेल में शिफ्ट कर चुकी है। इकराम के खिलाफ मुरादाबाद के बिल्डर कुलदीप कतियाल ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई के बाद मुरादाबाद कोर्ट ने इकराम अख्तर के खिलाफ वारंट जारी किया था। 2 दिन पहले मुंबई से अरेस्ट करने के बाद मुरादाबाद की कोतवाली पुलिस गुरुवार की देर रात इकराम को मुरादाबाद लेकर पहुंची थी। पुलिस ने शुक्रवार को जिला अस्पताल में फिल्म डायरेक्टर इकराम अख्तर का मेडिकल टेस्ट भी कराया था और इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 22 सितंबर तक इकराम अख्तर को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस इकराम अख्तर को लेकर जिला जेल पहुंच चुकी है। यहां आपको बता दें हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल मुरादाबाद के बिल्डर कुलदीप कतियाल ने साल 2016 में इकराम अख्तर के खिलाफ मुरादाबाद कोर्ट में केस किया था। बिल्डर कुलदीप का आरोप है कि फिल्म डायरेक्टर इकराम अख्तर ने उनकी फिल्म आई लव दुबई बनाने की एवज में उनसे 1.5 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन पैसे लेने के बाद फिल्म को पूरा नहीं किया। इस मामले में मुरादाबाद कोर्ट से इकराम अख्तर के खिलाफ वारंट जारी किया गया। कोर्ट की ओर से जारी वारंट को लेकर मुरादाबाद की कोतवाली पुलिस मुंबई गई थी, जहां से इकराम अख्तर को अरेस्ट कर लिया गया। बिल्डर कुलदीप कतियाल के वकील अनुज विश्नोई का कहना है कि दबाव पड़ने पर इकराम अख्तर ने 1.5 करोड़ रुपए के चेक लौटा दिए थे, लेकिन वो चेक बाउंस हो गए। इसके बाद कुलदीप कतियाल ने मुरादाबाद कोर्ट में केस दर्ज करा दिया। एडवोकेट अनुज विश्नोई ने बताया कि इसी केस में मुरादाबाद की कोर्ट ने अख्तर के खिलाफ वारंट जारी किया था और अब अख्तर की गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ आपको और एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि वकील का कहना है कि अख्तर के खिलाफ 9 महीने पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन वो एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कई बार उनको पुलिस की तरफ से समन भेजा गया। गिरफ्तारी वारंट के बावजूद इकराम अख्तर पुलिस को बहकाते रहे, बहलाते रहे, लेकिन एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। वहीं इधर फिल्म के डायरेक्टर इकराम अख्तर के वकील ने भी कुलदीप कतियाल पर कई आरोप लगाए हैं। इकराम के वकील का कहना है कि बिल्डर कुलदीप ने फिल्म में लीड रोल को लेकर कई शर्तें लगा की थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ही लीड रोल देने का प्रेशर बना रहे थे और इसी वजह से फिल्म की शूटिंग आधी रह गई, क्योंकि फिल्म की शूटिंग 80% पूरी हो चुकी थी। शूट पूरा दुबई में हुआ था, लेकिन जब फिल्म का 20% हिस्सा शूट होना था तो तभी कुलदीप कतियाल का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और इसी की वजह से फिल्म पूरी नहीं हुई। इसमें इकराम अख्तर का कोई दोष नहीं है, बल्कि कुलदीप कतियाल की वजह से और उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से ही फिल्म अधूरी रह गई। वहीं इधर वकील का ये भी कहना है कि इकराम अख्तर ने बॉलीवुड के कई लोगों से इस मामले में मदद मांगी, लेकिन बॉलीवुड की तरफ से किसी ने भी इकराम की मदद नहीं की और फिलहाल उन्हें मुरादाबाद की जेल में 7 दिन के लिए रहना पड़ेगा। लेकिन वकील का कहना है कि हम जल्द ही इकराम अख्तर को जेल से आज़ादी दिलवा देंगे, रिहाई दिलवा देंगे। तो फिलहाल तो सलमान के करीबी निर्देशक को जेल हो चुकी है, 7 दिन तक जेल में ही रहना पड़ेगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कि फ्रॉड करना क्या बॉलीवुड वालों की नियत बन चुकी है? पैसों के लिए बॉलीवुड वाले किसी को भी ठग सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो ईडी इन दिनों 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दुबई से ऑनलाइन बैटिंग ऐप चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और उनके बिजनेस पार्टनर रवि उप्पल के खिलाफ जांच कर रही है। अब इस मामले में टाइगर श्रॉफ, नुसरत भरूचा, सुखविंदर सिंह, नेहा कक्कड़, सनी लियोनी, कृति खरबंदा, भाग्यश्री और राहत फतेह अली खान समेत 17 सेलिब्रिटी से पूछताछ शुरू की जा चुकी है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि सौरभ चंद्राकर ने फरवरी के महीने में शादी रचाई थी और इसमें 200 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये पैसा इवेंट कंपनी और बॉलीवुड सितारों तक पहुंचाया गया। रिपोर्ट्स की माने तो इन सभी 17 कलाकारों ने इस साल फरवरी में महादेव बुक ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी का फंक्शन अटेंड किया था। दुबई में हुई इस आलीशान शादी में सौरभ ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस मौके पर इन सभी सेलिब्रिटीज ने परफॉर्म भी किया था, जिनके लिए इन्हें मोटी रकम दी गई थी और जो रकम दी गई थी वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आई हुई रकम थी। दुबई के आलीशान होटल में हुई शादी मुंबई की इवेंट कंपनी R1 इवेंट ने आयोजित करवाई थी। मुंबई में इस कंपनी के दफ्तर में भी ईडी ने छापेमारी की है। पता चला है कि इस कंपनी को सौरभ चंद्राकर ने अवैध तरीके से हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए पहुंचाए थे और इनमें से 42 करोड़ रुपए तो होटल की बुकिंग में खर्च किए गए थे, जिसमें ये सभी सेलिब्रिटीज रुके थे। अब इस शादी से जुड़े बहुत बड़े सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं, जिसमें एक वीडियो भी है जिसमें सनी लियोनी डांस परफॉर्म करती नजर आ रही है। वहीं नेहा कक्कड़ भी परफॉर्म करती हुई दिख रही है। शादी में भाग्यश्री और कृति खरबंदा भी सोफे पे बैठी नजर आ रही हैं। इसके अलावा इसी शादी में टाइगर श्रॉफ ने भी डांस परफॉर्म किया था। ये पूरी लिस्ट ईडी के पास है। आपको पूरे 17 नाम बताते हैं जो ईडी की लिस्ट में शामिल है। तो इस मामले में ईडी की लिस्ट में टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, नुसरत भरूचा, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल डडलानी, एली अब्राम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, कृष्णा अभिषेक और सुखविंदर सिंह के नाम शामिल हैं। यहाँ आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर ये सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल है कौन। तो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल बेसिकली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और ये दोनों ही 5,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में वांटेड हैं। सौरभ तो कभी छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस बेचा करता था, उसकी छोटी सी जूस की दुकान थी। ईडी सूत्रों की माने तो चंद्राकर ने 18 सितंबर 2022 को दुबई के एक 7-स्टार होटल में पार्टी दी थी। इस पार्टी में भी कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी शामिल हुए थे, जिसके लिए उन्होंने 40 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं इसी साल फरवरी में हुई अपनी शादी में सौरभ ने अपने परिवार वालों को नागपुर से प्राइवेट जेट के जरिए दुबई बुलाया था। बॉलीवुड सेलेब्स, वेडिंग प्लानर्स, डांसर्स और डेकोरेटर्स को भी मुंबई से दुबई बुलाया गया था और इस शादी में इन सभी 17 सेलिब्रिटीज ने डांस परफॉर्म और अपनी गाने की प्रस्तुतियां भी दी थी। आपको बता दें, इस केस की जांच पिछले साल दिसंबर से ही चल रही है और अब जाकर बहुत बड़ा बॉलीवुड कनेक्शन सामने आया है। ईडी इस मामले में रायपुर, कोलकाता, भोपाल, मुंबई के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी कर चुकी है और 417 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति भी जब्त कर चुकी है। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन बैटिंग ऐप के इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले मकड़ जाल में 17 सेलिब्रिटीज भी जूझते हुए दिख रहे हैं, फंसते हुए दिख रहे हैं और ईडी ने अब इन सभी से पूछताछ शुरू कर दी है। किसने कितने पैसे लिए, कब लिए, किससे लिए, इन सभी सवालों का जवाब ईडी तलाशने जा रही है और अगर कुछ भी गड़बड़ मिलती है, कुछ भी संदिग्ध मिलता है तो ईडी इन सभी 17 सेलिब्रिटीज को अपनी गिरफ्तारी में भी ले सकती है, क्योंकि ईडी कितनी मजबूत है ये सभी देख चुके हैं। ईडी ने बड़े बड़े नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, तो फिर इन सेलिब्रिटीज की तो बात ही क्या। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।